नसरुल्लागंज के चितगांव मौजी गांव में हुए दो पक्षों के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। इसी विवाद के चलते एक पक्ष के युवक की मौत हो गई। दरअसल मामला शराब पीने के बाद गर्मा गया, जिसमें डब्बू शर्मा द्वारा कल्लू हरिजन की हत्या कर दी। विवाद इतना बढ़ गया कि गांव में पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा रहा। मृतक के परिजन ने कहा कि जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी को लेकर सीहोर एडिशनल SP समीर यादव सहित पूरा जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। काफ़ी समझाइश के बाद मृतक के परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। देखिए, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। आए दिन लगातार अपराध घटनाएं बढ़ती जा रही है। अपराध का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चोरियां हो रही हैं, प्रशासन पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है। अपराध हो रहे हैं। आज सुनने में आया है कि एक मर्डर चितगांव मोची में हुआ है। उस मर्डर का जो मूल कारण आया है वो नशे के कारण दोनों लोगों का आपस में लड़ना हुआ है बताया गया है। शराब, अफीम, गांजा, नशीला पदार्थ गांव-गांव बिक रहा है। सरकार मौन है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से शराबियों, शराब और अफीम बेचने वाले, नशा बेचने वालों पर नकेल कसने में नाकाम होंगे। गाँव मौजी में रात में दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। आपसी विवाद में मारपीट हुई। मारपीट के बाद एक व्यक्ति घायल हुआ था जो बाद में मृत हो गया। इस पर जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों की तरफ से FIR की गई है। इसमें जो आरोपी हैं जो चिन्हित किए गए हैं उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।